ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1987। कि जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है ये पार्लियामेंट के अंदर ड्राफ्टेड हो गया था 1987 के अंदर, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1993। कहने का मतलब कि ये फिर भी ये इफेक्ट नहीं हुआ था, इफेक्ट हुआ था 1993 के अंदर ऑल स्टेट्स के अंदर और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर। दिस एक्ट रिप्लेस द इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट, इसने इंडियन जो ल्यूनेंसी एक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया था। इसके रीजन क्या है, इनेक्टमेंट के रीजन्स, फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ, द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड द मेंटली इल हैज चेंज्ड कंसिडरेबली एंड इट इज़ नाउ रियलाइज्ड दैट नो स्टिग्मा शुड बी अटैच्ड टू सच इलनेस एज इट इज़ क्यूरेबल प्रैक्टिकली व्हेन डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। कहने का मतलब आज भी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है मेंटली इल पर्सन के लिए वो चेंज हो गया है, एंड अभी जो रियलाइज्ड कर रहे हैं कि इसका कोई कलंक नहीं है और जो इलनेस है, जो मेंटली इलनेस है वो क्यूरेबल हो सकती है अर्ली स्टेज में अगर इसका डायग्नोस्ड हो जाए। सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ, द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट 1912 हैज़ रिवेल्ड दैट इट हैज़ बिकम आउटमोडर्ड विद द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ मलाडी। इट हैज़ देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू मेक फ्रेश लेजिस्लेशन इन अकॉर्डेंस विद द न्यू अप्रोच। न्यू अप्रोच के हिसाब से नया कानून बनाने की ज़रूरत है जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत। आगे मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की। फर्स्ट वन अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो ये रेगुलेट करता है एडमिशन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अंदर। सेकेंड वन अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को, जो मेंटली इल पर्सन्स हैं उनको। थर्ड वन अगर मैं बात करूँ, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बींग डिटेंड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ वन अगर मैं बात करूँ, टू रेगुलेट मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल के जो चार्जेज हैं उनको रेगुलेट करता है, उनका मेंटेनेंस करता है। फिफ्थ वन अगर मैं बात करूँ, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एस्टैब्लिशिंग गार्जियनशिप ऑफ मेंटली इल पर्सन्स हु आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। जो मेंटली इल पर्सन्स हैं वो खुद को मैनेज नहीं कर पाते, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सिक्स्थ वन अगर मैं बात करूँ, टू इस्टाब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इस्टाब्लिश करता है, वो चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट अथॉरिटी की हो। अगर एक्ट की बात करूँ, टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इस्टाब्लिशिंग लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उनका लाइसेंसिंग को कंट्रोल करता है, उनको इस्टाब्लिश करता है खुद की पावर के द्वारा। नाइन्थ की बात करूँ, टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन्स, जो लीगल एड है वो मेंटली इल पर्सन्स को वो प्रोवाइड करवाता है एट स्टेट एक्सपेंसेस इन इट सर्टेन केसेज, कुछ केसेज के अंदर जो एक्सपेंसेज हैं मेंटली इल पर्सन्स के वो स्टेट देता है। आगे मैं बात करता हूँ कि ये एक्ट किस में डिवाइड किया गया, जो मेंटली हेल्थ एक्ट है वो डिवाइड किया गया 4 parts के अंदर, 8 chapters के अंदर, और जो कंसिस्ट किया गया है 100 sections के अंदर। थैंक यू सो मच।